अपनी फ्री फायर गेम के ओल्ड गोल्डन डेज को तो यार गाइस कौन बंदा मिस नहीं करता भाई। वो दिन वापस आने वाले हैं अपने गाइस, फाइनली ओल्ड गोल्डन डेज वापस आएंगे जिसमें गाइस तुम्हारे न्यू इवेंट्स देखने को मिलेंगे लाइक वॉच एड्स एंड अर्न डायमंड्स। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, एक एड देखनी है एंड उसके बदले में तुम्हें 500-600 डायमंड अपनी गेम में मिलेंगे। साथ ही साथ गाइस अपने पुराने मोड्स लाइक गाइस अपने पुराने मोड्स में तुम्हें ज़ॉम्बी मोड, अपना स्नो मैप एंड और भी काफी सारी चीजें हैं जो रिटर्न देखने को मिलेंगी। मुझे ऐसा कराने लग गया। एंड इतने सारे न्यू इवेंट्स मिलेंगे जिसमें भाई तुम्हें डायमंड का यूज ही नहीं करना, गोल्ड से काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब पूरा गेम बदलने वाला है। तो यार और सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है गाइस तुम सभी के? एंड होपफुली भाई तुम सभी बंदे काफी ज्यादा बढ़िया होंगे गाइस एंड ऐसे भाई बढ़िया रहना। सो गाइस आज फिर हम लोग अपनी अरेना फ्री फायर गेम में बहुत सारे इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे लाइक अपने ओल्ड गोल्डन डेज। साथ ही साथ अपनी अरेना फ्री फायर गेम में एक न्यू इवेंट आएगा जिसमें गाइस तुम सबको कुछ नहीं करना, एक रिडीम कोड डालना है एंड उसके बदले में तुम्हें क्रेट मिलेगी एंड क्रेट में भाई तुम्हें मिल सकते हैं 500 से लेकर 1000 डायमंड्स के बीच में कुछ भी, समझ रहे हो भाई? बहुत तगड़ा इवेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड और भी गाइस काफी सारी मस्त मस्त चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आज के वाले वीडियो को प्लीज से कोई भी बंदा मिस मत करना, बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है लाइक मेरे चैनल के सबसे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाले, तो मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल पर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो एंड एक लाइक कर दो। सो चलो यार गाइस फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले तो गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपनी अरेना फ्री फायर गेम में आने वाले एक अपकमिंग इवेंट के बारे में जिसमें गाइस तुम सबको फ्री में कस्टम रूम कार्ड्स मिल रहे वाले हैं, वो भी बहुत सारे लाइक भाई जैसे कि तुम सब लोगों को बताती हूँ अपनी अरेना फ्री फायर गेम में सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है वो है कस्टम रूम कार्ड्स जो तुम्हें सिर्फ वीक में एक बार मिलता है। एंड बहुत सारे बंदे चाहते हैं कि उन्हें बहुत सारे कस्टम रूम्स मिले जिसका यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा कस्टम्स खेल पाए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि भाई मज़ा ही आता है यार फ्रेंड्स को हराने में कस्टम रूम में। सो यस गाइस तुम्हारा ये चीज़ भी पूरी हो सकती है अरेना फ्री फायर गेम में। फाइनली एक इवेंट आ सकता है कस्टम रूम सर्वाइवल करके, इसमें मैं इसके भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, कस्टम रूम तुम्हें मिलने वाले हैं, उसके लिए तुम्हें जस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ मिशन कंप्लीट करने हैं, फिर तुम्हें कस्टम रूम के कुछ फ्रैगमेंट्स मिलने वाले हैं जैसे कि तुम देख पा रहे हो 50-20 ऐसे कुछ फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। एंड भाई जैसे तुम्हारे पास क्या बोलते हैं 100 फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे ना, तो भाई साहब तुम क्या बोलते हैं अपना रूम एक्सचेंज कर पाओगे। एंड सबसे बेस्ट इसमें है कि भाई तुम्हें क्रेट मिलेगी 300 फ्रैगमेंट में, अगर ये इवेंट आता तो क्रेट ओपन करना बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि क्रेट में भाई तुम्हें मिल सकते हैं अप टू 50 कस्टम रूम कार्ड्स लाइक समझ रहे हो तुम, 50 कस्टम रूम कार्ड एक ही बार में, भाई मजे ही हैं कसम से। सो ये जो इवेंट है बाहर के बहुत सारे सर्वर्स में आ रहा है एंड भाई मेरे को तो बहुत प्यारा यार ये वाला इवेंट लगा लाइक भाई कस्टम रूम का फैन कौन नहीं होता भाई, बेस्ट यार कस्टम रूम। एंड और भी तुम देख ही सकते हो सर्वर में काफी मस्त मस्त इवेंट्स हैं पर सबसे बेस्ट मेरे को वही लगा कस्टम रूम वाला इवेंट। एंड गाइस अगर तुम चाहते हो कि अपना जो कस्टम रूम वाला इवेंट अपने इंडियन सर्वर पर आए तो एक बार कमेंट में एक बार बता देना मेरे को, एक बार बताओ जो जो बंदे चाहते हैं अपना कस्टम रूम वाला इवेंट इंडियन सर्वर में आए एक बार कमेंट करके जरूर बताना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अपडेट गाइस। एंड आज का गाइस जो अपना नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है भाई वो है भाई साहब यहाँ पर एक न्यू इवेंट को लेके, जो वो ये भी इवेंट भी भाई बहुत तगड़ा है भाई। तगड़ा क्यों है? क्योंकि भाई इसमें मिल रहा है कुछ लॉगिन के तगड़े रिवॉर्ड्स भाई, बहुत सारे सर्वर्स पे चल रहा है लॉगिन पे भाई बहुत तगड़े मिल रहे हैं लाइक भाई जैसे यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर तुम क्लिक करोगे जो इंडियन सर्वर पर शायद से मिलते होंगे बट बकवास रिवॉर्ड्स होते शायद से इंडियन सर्वर पर, बट इसमें लिख रखा है 4-day task। तो इसमें भाई तुम देख लो भाई साहब यहाँ पर इमोट्स मिल रहे हैं, काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें मिल रही हैं जो सिर्फ लॉगिन पे मिलने वाली हैं। सो ये भाई मैं खुद चाहता हूँ इंडियन सर्वर पे हो, इंडियन सर्वर पे शायद ये चीज़ हो सकती है न्यू प्लेयर्स के लिए, बट उनको भी भाई क्या बोलते हैं कुछ बकवास रिवॉर्ड्स देता है। सो गाइस यार अपकमिंग जो भी अपडेट्स होंगे उनमें भाई तुम सबको अपने लॉगिन रिवॉर्ड्स में काफ़ी तगड़े तगड़े रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, 4-day task वाला इवेंट देखने को मिल सकता है जिसमें तुम्हें इमोट एंड और भी इसमें और भी मस्त मस्त रिवॉर्ड्स ऐड कर ग्रीना कर सकता है अपने नेक्स्ट अपडेट के बाद। सो चलो यार गाइस अभी हम अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर मूव करते हैं। डाच का गाइस अपना नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है वो निकल गया है अरेना फ्री फायर गेम के ओल्ड डेज बैक को लेके। सो गाइस यार काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई अपने अरेना फ्री फायर गेम के पुराने दिन रिटर्न क्यों नहीं आए, क्यों नहीं अपने फ्री फायर के जो पुराने फीचर्स थे, पुराने मोड्स थे, पुराने इवेंट्स थे लाइक वॉच क्या बोलते हैं वॉच एड्स एंड अर्न डायमंड्स वाले इवेंट एंड और भी काफी सारे इवेंट्स थे, पुराने इवेंट्स पुरानी पूरी अपनी फ्री फायर क्यों नहीं वापस आ रही, क्या सीन है इसका? सो गाइस यार यहां पर अरेना फ्री फायर वालों ने कुछ महीनों पहले नहीं महीने पहले करवाया था एक सर्वे कंडक्ट, जिस सर्वे में उन्होंने पूछा था कि भाई तुम अरेना फ्री फायर गेम में क्या चीज वापस चाहते, तो सारे बंदों ने बोला था कि भाई हमें तो अपना ओल्ड फ्री फायर वापस दो, इस फ्री फायर में नहीं आ रहा मजा, क्योंकि भाई ये फ्री फायर बन चुका पेड फायर लाइक भाई पैसा दो तो गेम जितो वरना भाई ऐसी तैसी करा वैसा सीन हो रखा है अरेना फ्री फायर में अभी। सो यस गाइस काफी सारे बंदों ने वही डिमांड की थी कि भाई हमको तो अपना पुराना फ्री फायर दो। एंड तुम्हें पता अरेना वाले इस चीज पे कर रहे हैं वर्क क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स ला दिए गोल्ड में, गोल्ड के थ्रू काफी सारे तुम्हें पता इवेंट्स आ रहे हैं अपनी वेपन वाले गोल्ड में आ गए और भी काफी सारे इवेंट्स आएंगे अपकमिंग जो तुम्हें गोल्ड में रिवॉर्ड्स देके जाएंगे। तो समझ रहे हो डायमंड की वैल्यू कर दी इन्होंने कम, अभी गोल्ड
गोल्ड की ज़्यादा वैल्यू है एंड ये मतलब एक स्टेप है अपने फ्री पेड फायर को फ्री फायर बनने में। एंड ऑब्वियसली अगर गरीना वाले थोड़ा सही वर्क करे तो पेड फायर को फ्री फायर वापस से बनाया जा सकता है। जैसे कि गाइस सबसे अपने फ्री फायर गेम में कुछ टाइम पहले भाई एक इवेंट था जिसमें तुम सबको सिर्फ एड्स देखनी होती थी एंड एड्स देख के भाई तुम सबको फ्री में 5-10 डायमंड मिलते रहते थे एंड ऐसे करके भाई बंदे दिन में 300-400 डायमंड्स फ्री में अर्न कर जाते थे एंड उन डायमंड से काफ़ी सारी चीज़ें अपनी गेम में ले लेते थे। सो ऐसा कोई इवेंट था, फिलहाल गरीना वाले इस इवेंट को नहीं ला रहे, बट अगर ये इवेंट आता है एंड और भी काफ़ी सारी गेम में चीज़ें थी लाइक ओल्ड स्नो मैप ज़ॉम्बी मोड एंड और भी काफ़ी चीज़ें थी एंड ओल्ड में भाई बहुत मस्त था अपना फ्री फायर पहले। सो गाइज अगर गरीना वाले इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, इस चीज़ पर फोकस करते हैं, इवेंट्स जो पेड वाले इवेंट्स हैं उनको कम कर दें, फ्री फायर इवेंट्स को ज़्यादा दें एंड अपने वो स्टैमेंट वाला वापस इवेंट लाएँ एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें करें तो अपना फ्री फायर वापस से फ्री फायर बन सकता है। सो यस भाई मैं खुद चाहता हूँ अपना ओल्ड डेज वापस आए एंड गाइज अगर तुम भी चाहते हो गोल्डन डेज, मैं ओल्ड डेज भी बोलूँगा गोल्डन डेज, अपनी गरीना फ्री फायर गेम के गोल्डन डेज वापस आएँ तो एक बार हैशटैग गोल्डन डेज कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बंदे चाहते हैं उन गोल्डन डेज अपनी गरीना फ्री फायर गेम के वापस आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अपडेट गाइस एंड आज का गाइस अपना नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है वो निकलेगा एक ऐसे इवेंट को लेकर जिसका गाइस तुम क्या बोलते हैं जिसमें तुम्हें एक रिडीम कोड डालना है उस इवेंट में, एक न्यू इवेंट आने वाला है एंड उस इवेंट में रिडीम कोड डालने के बाद भाई तुम्हें 500 से लेके 10,000 डायमंड्स के बीच में कुछ भी डायमंड मिल सकते हैं भाई, बहुत तगड़ा इवेंट है। बट यार गाइस इस वाले इवेंट को बताने से पहले भाई मैं तुम सबको एक न्यू ग्लिच के बारे में बता देता हूं। जैसे कि तुम सबको बताई हुई अपनी गरीना फ्री फायर गेम में फाइनली जो अपनी ईवो गन्स वाला इवेंट था वो आ चुका है जिसमें तुम सबको कुछ डायमंड स्पिन करके ईवो गन्स मिल रहे हैं बहुत तगड़ी तगड़ी। काफी सारे बंदे बोल रहे थे भाई हमें कोई ट्रिक बताओ जिसका यूज करके हम 500 या 1,000 डायमंड ले पाए एंड इन ईवो गन्स को क्लेम कर पाए। सो गाइस यार फाइनली एक न्यू ग्लिच आया, एक पूरा न्यू ग्लिच है भाई साहब मैं क्या बताऊँ, एक नंबर का ग्लिच है जिस ग्लिच में भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, ग्लिच का यूज करते ही तुम सबको फ्री में 500 से 1,000 डायमंड मिलने वाले हैं एंड सिर्फ एक रिडीम कोड डालना है, काफी तगड़ा ग्लिच है। सो गाइस यार इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, जाके 1 मिनट की वीडियो से पूरा देख लो एंड ग्लिच को ट्राई करो, लिमिटेड टाइम के लिए कभी भी एक्सपायर हो सकता है 1-2 घंटे में, तो बाद में मेरे को मत बोलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अभी जाके ट्राई करो। सो गाइस यार फाइनली अभी हम नेक्स्ट अपडेट की ओर मूव करते हैं, आज का जो अपना नेक्स्ट अपडेट है वो अपने इस वाले इवेंट को लेकर निकल के आ रहे हैं। सो गाइस यार काफी सारे सर उस पर ये वाला इवेंट आ रहा है जिसमें बेसिकली भाई तुम सबको कुछ ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा, इसमें तुम्हें सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है एंड इन्विटेशन कोड्स वगैरह डालने हैं। जैसे जैसे तुम अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करोगे, इन्वाइट कोड डालोगे, तुम्हें क्रेट मिलने वाले बेसिकली एंड भाई सब उन क्रेट्स में गाइस कुछ भी रैंडम डायमंड्स हो सकते हैं, कुछ भी 2-3 डायमंड हो सकते हैं या 10,000 डायमंड्स हो सकते हैं, उन क्रेट्स को तुम्हें बेसिकली ओपन करना है। तो ये इवेंट भाई बाहर के बहुत सारे सर्वर पे आ रहे हैं, तो मैं बता दूं यार ये वाला इंडियन सर्वर भी काफ़ी जल्द आ सकता है, तो मैं एक चीज़ बोल लूँ तुम सबको, जिनके पास भी पुरानी आईडी पड़ी है या तो तुम एक दो पुरानी आईडी बना लो क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एकदम से बनाओगे तो वो वर्क नहीं करेगी। सो यस यार गाइस ये वाला इवेंट भी जल्दी आने वाला, तो अपनी एक दो आईडी बना के रखो पुरानी वाली ताकि इस वाले इवेंट को तुम कंप्लीट करके फ्री में डायमंड्स ले सको। एंड गाइस सबसे बेस्ट बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रखा है, जाके अभी कभी ग्लिच को ट्राई कर लो, एक रिडीम कोड डाल के तुम सबको फ्री में 500-600 डायमंड मिलने वाले, मिस मत करना, बहुत ज्यादा पछताओगे मिस करोगे तो, लिमिटेड टाइम के लिए ग्लिच है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी कभी जाओ अभी कभी ट्राई।